तो गाइस मैं तो पूरा डाकू बनकर तैयार हो गया हूँ, थोड़ा ऑरेंज टाइप का ये मैंने पहन लिया। और ये लोंडा तो ऐसे ही मिला है। मैं डाकू एक नंबर का। तू डाकू नहीं, तू गधा एक नंबर का। चलो गाइस हमने मास्क वगैरह लगा लिया क्योंकि गर्दन हो गई काली आजकल, जब से बाल कटवाए ना। चल भाई जल्दी। मेरी भी। तेरी भी? तू तो यार गोरा आदमी है। ये कौन घूम रहा है? मारो। आज मेन रोड है और भाई भीड़ देखो, हर जगह भंडारा मिलेगा यहाँ पे।
भाई उधर केले फेंक के लिए जा रहे हैं ट्रक में। भैया पागल है जो मैंने एक्सीडेंट दिखाया था ना वहाँ पे, मैं क्रिकेट खेल रहा था तो अचानक से वो गाड़ी ना ऐसे खाई में, मतलब उसमें गड्ढे में गिर गई, धुआं ही धुआं हो गया। वो जो लड़का उसमें बैठा था वो होपलेस हो गया था, तो भाई साहब रेस दिया जा रहा था। भाई वहाँ से आके जल्दी से मैं फटाफट से नहा लिया हूँ और अब हो गई रात, देख सकते हो। और अब चल रहे हैं भाई साहब डीजे देखने और दिखाऊंगा भयंकर लाइटनिंग वगैरह खतरनाक। उनेंद्र को फोन कर लिया और चित्रांशु को भी बुला लिया, दोनों हम तीनों लोग फिर से चल रहे हैं मेन रोड पर। चलता हूँ अभी, मैं कुछ खा रहा हूँ टॉफी।
भाई स्लो डू करते हैं भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं, राम राम। ठीक है, कैसा मजा आया आज? मजा आ गया, वो कितना चमक रहा भैया। चल ठीक है, चलो भाई। आज का डिनर आलू पराठे प्लस पनीर, कई सारा पनीर, थोड़ा सा उधर रखा। तो गाइज अब शुरू करते हैं जिम दोबारा मंडे से, मतलब कल से। और कल सुबह जो है 5:30 बजे जिम जाऊंगा, तो मुझे पूरा रूटीन अपना चेंज करना है। 5:30 से 7-8 बजे तक जिम करेंगे, फिर वहां से आके मंडे तो मंदिर भी जाऊंगा। और कल सबसे ज़्यादा स्पेशल दिन होने वाला है मंदिर का, क्योंकि कल सावन का शायद आखिरी मंडे है, और उस दिन काफ़ी ज़्यादा मतलब जल वगैरह चढ़ाया जाएगा। जो इतने सारे लोग जल लेके आए वो सब वहाँ पर चढ़ेगा। तो गाइज मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग और डीजे पसंद आए होंगे। जय श्री राम।